Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is friction. Friction is the most important topic of 11th physics. Friction 11th का बहुत important topic है. देखिए friction जो अपन mechanics पढ़ रहे हैं, mechanics के branch का जो friction portion है, competitive exam में friction से बहुत question cover होते हैं. लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. फ्रिक्शन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत से टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. तो आप फ्रिक्शन को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से भी और इन फ्यूचर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, आईआईटी जेई के लिए इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपको एक अच्छा वेटेज देगा. नाउ आवर टॉपिक इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन सबसे पहले अपन चैप्टर के नाम पर ही डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है. मैंने अपने और कई प्रीवियस वीडियो आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने आपसे एक बात हमेशा की कि फिजिक्स में फोर्स को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है. फोर्स एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जिसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है. प्रेशर फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स है, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रिक्शन ये फोर्स है. इस तरह से फोर्स के बहुत से नाम होते हैं. नाउ फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स. यदि मैं कहूँ कि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स. फिर हम अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस तरह का फोर्स है. फोर्स के हमारे लाइफ में अलग अलग बिहेवियर हैं, अलग अलग रोल हैं. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो किस तरह का फोर्स है. नाउ वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता होगा कि सपोज एक अपने पास कोई एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इसके ऊपर में मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये रखा. ये टू ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में रखे हुए हैं. अब आपको पता है कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, सपोज इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स अप्लाई करूं एफ, तो क्या होगा? ये जो फोर्स है जैसे हम उस पर अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो नीचे का बॉडी है उसके मोशन का क्या करता है? अपोज करता है. दैट मीन्स एक्चुअली फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स. इफ ए बॉडी मूव आर टेंस टू मूव over the another body, then a opposing force will be developed which is called friction. जब कोई एक body किसी दूसरे body के ऊपर move होता है या फिर move होने का प्रयास करता है, move or tends to move, then a force develop, तो क्या होता है? इन दोनों के contact surface में ये एक force develop हो जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से. और ये जो फोर्स है एफ एस वो क्या करता है? इस फोर्स का अपोज करता है, मतलब इसके मोशन का अपोज करता है. ये बॉडी चाहता है कि बॉडी मोशन मत करे. और यही जो अपोजिंग फोर्स है इज कॉल्ड फ्रिक्शन. दैट मीन्स फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी बॉडी ओवर द अनदर बॉडी. क्लियर? यदि एक कोई बॉडी मूव होता है या मूव होने का प्रयास करता है तो नीचे का जो बॉडी होता है उसके मोशन का अपोज करता है. ये अपोजिंग फोर्स ही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है. अब यहां पर अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट्स ओरिजिन. ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन. मतलब फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, कैसे पैदा होता है, किस लिए होता है? काज ऑफ द डेवलपिंग फ्रिक्शन. तो इसके टू ओपिनियन है. फर्स्ट इज, देखिए ये बात हम सबको पता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली क्या है, कम्प्लीटली स्मूथ हो. जिस बॉडी को आप बहुत ज़्यादा स्मूथ, सपोज ग्लास का सरफेस आपको लगता है कि स्मूथ है, कम्प्लीट स्मूथ है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट स्मूथ. फाइव, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से मिलकर बना होता है और एटम क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं.
सपोज आपको लगता है कि सपोज ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपर सरफेस है, आप यदि इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका जो सरफेस है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि एटम का अरेंजमेंट ऐसा होगा। ये ओरिजिन को आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं हमेशा एक डिस्कस आपसे फिजिक्स के क्लास में जरूर करता हूँ कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फिजिक्स किसी को मतलब का नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर डीपली डिस्कस कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन एक्चुअल में किसी बॉडी पर डेवलप होता क्यों है। तो मैं आपको क्या बताया कि जिस सरफेस को आप स्मूथ समझते हैं एक्चुअल में स्मूथ नहीं होता, वो प्लेन नहीं होता, क्योंकि उसके अपर सरफेस में जो एटम्स हैं वो स्फेरिकल हैं, और स्फेरिकल अरेंजमेंट कभी कंप्लीट स्मूथ नहीं हो सकता। मतलब यदि आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको उस प्लेन सरफेस का इस तरह से ऊपर में दिखाई देगा। अब सपोज इसके ऊपर एक दूसरा बॉडी है, उसके भी एटम क्या है, स्फेरिकल है। ये सपोज स्फेरिकल, ये दोनों ऑब्जेक्ट का मैंने कॉन्टेक्ट सरफेस को माइक्रोस्कोपिक आपको बताया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऊपर के बॉडी पर जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक कैविटी बनी हुई है, ये एक कैविटी बना हुआ है, एक इस तरह का गैप बना हुआ है, तो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट ऐसा सिचुएशन बन जाता है, ये कैविटी है और ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एटम आके इसमें क्या होता है, इस तरह से फंसता है, और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉक मतलब एक के बाद एक लॉक होते जाना, तो इंटरलॉकिंग इज द कॉज ऑफ आर ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन। एंड मॉडर्न ओपिनियन इज, ये एक ओल्ड ओपिनियन है, और मॉडर्न ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स ये जो सरफेस है और ये नीचे का सरफेस है, ये दोनों के बीच में, दोनों मटेरियल के एटम के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ये फोर्स जो डेवलप हो जाता है, ये फिर क्या करता है, उसके मोशन का अपोज करते हैं। दैट मीन्स इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स इज आल्सो द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारा ओल्ड ओपिनियन कहता है कि एटम्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है वो फ्रिक्शन का रीजन है, एंड मॉडर्न थ्योरी इज इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स। ये होता है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का ओरिजिन, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली फ्रिक्शन तो टू टाइप्स का होता है, लेकिन एक बीच में और कंडीशन आता है जिसको हम उसके टाइप्स में काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब किसी बॉडी के स्टैटिक कंडीशन के लिए, दैट मीन्स उसके रेस्ट कंडीशन के लिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट में है, एक बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, दोनों रेस्ट कंडीशन में है, तो दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यदि वो सपोज मैंने उस पर, यहाँ पर मैं आपको एक फिगर से, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है सपोज ये, और मैंने इसके अपर सरफेस में एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये लिया इस तरह से, अभी इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज इस पर मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया, जैसे इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो अभी तो क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में है, लेकिन फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मोशन कंडीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स उसके ऊपर क्या होने लगेगा, वो मोशन करने लगेगा।
तो जिस लिमिट के बाद आफ्टर दिस लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल इमेजिन करिए कि सपोज एक टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, मैं बुक को पुश करना शुरू किया, जैसे पुश किया अभी बुक क्या है रेस्ट में है, लेकिन मैं क्या किया अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते गया। जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते जाऊंगा तो वो क्या होगा, फिर मोशन के लिए स्टार्ट होगा। तो जिस लिमिट के बाद आफ्टर द लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन, अब स्टैटिक क्या होगा काइनेटिक में, मतलब वो क्या होने लगेगा मूव होने लगेगा। अभी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है वो एफ एस है, लेकिन जैसे ये मोशन करने लगेगा तो इनके बीच जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको हम कहेंगे एफ के, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन। और जिस कंडीशन के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब इसको यदि हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये एक हम ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें हमने ग्राफ ड्रा किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है, फिर ये छोटा सा कर्व और ये स्ट्रेट लाइन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है। इसको हम कह सकते हैं एफ एस, ये है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, और इस डायरेक्शन में क्या है इसका फ्रिक्शन किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है स्टैटिक फ्रिक्शन का है, ये कंडीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, वो क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है। इस तरह से स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हम थ्री टाइप्स कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ छोटे छोटे रूल्स बनाए गए, जिसमें हम स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक मान के चलते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंडीशन तक बॉडी क्या है रेस्ट में है, आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी विल बी इन मोशन। क्लियर? तो देखिए इसके लिए हम एक रूल्स पढ़ते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट रूल कहता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। ये क्या करता है, नेचर ऑफ द सरफेस का मतलब क्या होता है, नेचर अपने पास, सरफेस का नेचर स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, तो वो क्या करता है सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स यदि सरफेस स्मूथ हो तो नेचुरली फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और यदि सरफेस क्या हो रफ हो तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड सेकंड इज इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होता है। द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स यहां पर आप फिगर में देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्लियर? दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। अपोजिट तो हमेशा होगा क्योंकि क्या है, अपोजिंग फोर्स है वो। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि इस बॉडी और इस बॉडी के कॉन्टेक्ट एरिया है, इस पर उसका फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, उस पर वो डिपेंड नहीं करता। एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। देखिए ये एक बॉडी है, तो बॉडी का जो वेट होगा डाउनवर्ड एम जी होगा, और इस पर रिएक्शन फोर्स लगता है अपवर्ड आर, जो कि हमेशा क्या होता है बॉडी के वेट के इक्वल होता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचुरली इसको हम आगे साल में करें, दैट इम्प्लाइज एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर को लिख सकते हैं क्या, एम जी विच इज द वेट ऑफ बॉडी। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल इस बात को समझ सकते हैं,
फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेप्ट को, किसी भी रिलेशन को आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, वेट जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, आपको कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस होगा। सपोज़ मेरे पास कोई लाइट वेटेड बॉडी है, कोई हल्का चीज़ ज़मीन में रखा है, मैं उसको पुश करूँगा पुश हो जाएगा। लेकिन सपोज़ मेरे पास कोई हैवी बॉडी है तो उसको पुश मेरे से होता नहीं, किसी और को बुलाता हूँ, आ भाई इसको ढकेलने में मेरा हेल्प कर। क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। तो वेट जितना ज़्यादा होगा, बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आगे हम इसको सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज एफ एस इक्वल टू, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, या म्यू एस इंटू आर भी लिख सकते हैं अपन, एम जी इज आर। तो एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू, यहाँ पर इसको मैं आर ही लिख दूँ चलेगा, कुछ भी लिखेंगे आप ये। और यहाँ पर जो ये म्यू एस कांस्टेंट यूज़ किया गया है, इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग एक ही मतलब है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे इसको अपन सॉल्व कर लें, दैट इंप्लाइज तो यह हो जाएगा म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है, म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के रेशियो के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन 99% सेम रूल होता है, इसी पर करेक्शन करके मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो सभी रूल क्या है, रिपीटेड है, इसीलिए मैं इसके साथ समझा दे रहा हूँ। नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट होता है, ये रूल कॉमन है। बस यहाँ पर क्या होगा, जो आपको फोर्थ रूल है ये हो जाएगा एफ के, क्योंकि अब बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन से किस में आ गया, काइनेटिक कंडीशन में आ गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, बस सबको आपको क्या कर देना है, एफ के कर देना है। ये एफ के हो जाएगा, अब म्यू एस के जगह में हो जाएगा म्यू के, और इसको हम बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये भी हो जाएगा म्यू के, मतलब कुल मिला के सब आपको इसको क्या कर देना है, स्टैटिक को काइनेटिक कर देना है। तो ये रूल हो गया लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये दोनों रूल कॉमन है, सबके सब सेम पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये दो इंपॉर्टेंट एंगल हैं इस चैप्टर के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक स्पेशल सिचुएशन है जो इस फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से वाच करिए। ये सपोज एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सपोज एक बॉडी है और इसका वेट एम जी डाउनवर्ड है, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, क्लियर, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आर। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया एफ। जैसे हम इस पर फोर्स एफ लगाएंगे तो इसके कॉन्टेक्ट सरफेस में, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये एफ एस एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए,
ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और इन दोनों का ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। दिस इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के साथ यहाँ जितना एंगल बना रहा है इसको मैंने ले लिया थीटा, यही कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच के एंगल है, ये किसका किसका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, एंड दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो उसको मैं कैसे बोलूंगा, आप मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिए। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये पेन में आपको मैं सिचुएशन से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इस पेन मेरे तीनों मार्कर को ध्यान से देखिए। ये जो रेड मार्कर आप देख रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स है, क्लियर, और ये जो ब्लू मार्कर आप देख रहे हैं, ये ब्लू से ही मैंने यहाँ पर बनाया है, ये रिएक्शन फोर्स है, और ये मेरा जो ब्लैक मार्कर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक मार्कर जो मेरा है वो क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स के साथ में जो एंगल बना रहा है वही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन एंगल है, क्लियर। तो डेफिनेशन मैं कैसे बोलूंगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। तो ये थीटा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया सपोज, और इसके हमने पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट सपोज बी है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यहाँ से हम फाइंड करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कहा जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी, अपॉन बेस, दैट मीन्स ओ ए, दैट इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल ए बी। क्या है देखिए, ए बी किसके पैरेलल है, एफ एस के। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस अपॉन ओ ए क्या है, आर है, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल, अभी हमने आपको लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया, एफ एस अपन आर क्या होता है, म्यू एस होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस। ये इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट इज, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर एक जो रिलेशन मिलता है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द, टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद इसके साथ अपन रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, फिर दोनों में हम रिलेशन देखेंगे, इसीलिए मैं दोनों को कंपेरेटिव बता रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज, अब एंगल ऑफ रिपोज को समझाने के पहले आपको कुछ एग्जांपल, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मैं बताऊं, अदरवाइज इस डेफिनेशन को मैं आपको 50 बार वर्ड टू वर्ड बताते रहूंगा, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक्चुअली फिजिक्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है जो इसको पढ़ाने से पहले आपसे शेयर कर लूं। कई बार क्या होता है कि फिजिक्स कंप्लीट इमेजिनेशन पर बेस्ड सब्जेक्ट है, टीचर उस बात को अपने तरीके से इमेजिन कराता है और स्टूडेंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इमेजिन करते रहता है, और दोनों मगन है, टीचर मगन है कि मैं बहुत सही बता रहा हूँ, शायद स्टूडेंट वही इमेजिन कर रहे हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, और स्टूडेंट भी अपना मगन है कि शायद सर इस तरह से बोल रहे हैं। किसी दिन जब हकीकत पर बात होती है तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे साथ कई बार हो चुका है
कि मैं बताना कुछ और जा रहा था, स्टूडेंट समझ कुछ और गया। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके और मेरे इमेजिनेशन का डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग एक तरीके से सोचें। इसलिए मैं कुछ एग्जांपल बता दूँ इसको पढ़ाने से पहले। आपने इंक्लाइन प्लेन, जिसको बच्चों की फिसल पट्टी आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में, देखा है कि नहीं? बच्चों की फिसल पट्टी आपने ऐसा तो देखा होगा, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं उसके बाद फिसलते हैं इस तरह से, कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लेन बनाया है, जिसको हम फिजिक्स का टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल है, सपोज इसको मैं फाई लिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है देखिए, यदि इस एंगल को हम बहुत नीचे कर दें, सपोज हम गार्डन में गए, हमारा इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना हुआ है, तो बच्चे को बिठा के आप धक्का भी मारेंगे तो वहाँ से वो फिसलेगा नहीं, उसको आप ढकेल भी देंगे तो ये बच्चा ही बैठे रहेगा। और सपोज आपने इंक्लाइन प्लेन को ऐसा बना दिया तो हो गया काम हो जाएगा, आप समझिए। तो आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली आप सोचिए, इमेजिन करिए कि भाई इसका कुछ कैलकुलेशन तो होगा, पक्का इसका पक्का कोई कैलकुलेशन होगा कि इंक्लाइन प्लेन को भाई कुछ कैलकुलेट कर, कुछ डिजाइन करके, कुछ इंजीनियर लोग डिजाइन करके उसको बना, में कितने एंगल से उसको इंक्लाइन किया जाए, झुकाया जाए, ताकि वो बराबर उसमें कोई फिसल सके, सीधा स्ट्रेट गिरे ना, या बैठा है तो बैठा ही ना रहे। तो ये जो सिचुएशन है, ये एंगल ऑफ रिपोज का सिचुएशन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। और ये बताने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे। ये मैं दो स्केल रखा हूँ, और ये स्केल को मैं एक के ऊपर एक रखा, और ये जो ऊपर का स्केल है इसको मैं धीरे धीरे इंक्लाइन करते जाऊँगा, इसके रेस्पेक्ट में झुकाते जाऊँगा। और मैं यहाँ पर एक शार्पनर रखा हुआ हूँ, आप इसको बच्चा समझ लीजिए, और ये सपोज इसमें बैठा हुआ है। अब आप ध्यान से इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देखेंगे। मैं ऊपर के स्केल को ये उठाया, अभी फिसल रहा है नहीं फिसल रहा है, देखिए मैं उठाते जा रहा हूँ नहीं फिसल रहा है, अब ये उठाते गया, अब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि देखो ये फिसल गया, अब इसको मैं यहाँ पर रोक दिया, देखिए अब उसको गिर गया, उसका ध्यान मत दीजिए आप। ये है ये सिचुएशन। तो आपने एक बात देखी कि इसके नीचे जब स्केल था तो नहीं फिसल रहा था, और इसके ऊपर करूँगा तब तो नेचुरली फिसलेगा, इसे ऊपर ले जाऊँगा तो फिसलेगा ही। तो ये एक मिनिमम एंगल है, ये एक मिनिमम एंगल है, इस मिनिमम एंगल में ही क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये एक कोई स्पेशल एंगल है। कैसा स्पेशल एंगल है? इस एंगल में आने के बाद हमारा जो बॉडी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया लिमिटिंग फ्रिक्शन का, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको 50 बार बताता तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम स्टूडेंट सारे सिचुएशन को इमेजिन कर पाते। अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर? एक तो एग्जांपल मैंने बताया, अब ये तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द मिनिमम एंगल ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन। एकदम ईजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। देखो फिजिक्स को कभी भी बुक से रट्टा मारने का कोशिश आप मत करिए। मैं अपने हर वीडियो में लगभग आपसे ये डिस्कस जरूर करता हूँ। मैंने खुद अपने लाइफ में फिजिक्स को एक इन्जॉयमेंट की तरह रिसीव किया है। क्लियर? मतलब फिजिक्स पर मैं मजा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कोई बर्डन नहीं, मैं मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ, मेरे दोनों वीडियो आप देखते होंगे। मैथमेटिक्स में वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, मज़ा उसमें भी है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है सब में मज़ा है, लेकिन फिर भी बहुत बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है। कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, सर कैलकुलस का क्या यूज़ है लाइफ में, सर ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या काम आएगा। मैं को जवाब देने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ आप नहीं बोल सकते कि सर ये क्या काम आएगा, ये काम आ रहा है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो नेचर है बहुत डिफरेंट है। फिजिक्स जीने का सब्जेक्ट है, उसमें हम जीते हैं, वो हमको प्रैक्टिकल दिखता है। इसीलिए मैं क्लास में हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्लास में फिजिक्स पढ़िए और क्लासरूम से बाहर फिजिक्स देखिए। मेरे बात को आप ध्यान से सुनना, क्लास में आप फिजिक्स पढ़िए और क्लासरूम से आप फिजिक्स को महसूस कीजिए, उसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इंक्लाइन प्लेन इसी तरह से बनाया जाता है। दैट मीन्स इंक्लाइन प्लेन का डेफिनेशन क्या हुआ? एंगल ऑफ रिपोज इज ए मिनिमम एंगल ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन। आफ्टर दिस द ऑब्जेक्ट द पोजिशन कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज
फ्रॉम स्टेटिक कंडीशन टू काइनेटिक कंडीशन, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ वी कैलकुलेट फार्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज. यह तो हो गया इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब इसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं. इसके लिए देखिए, तो यहाँ पर हम एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं. ये हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, सपोज इस एंगल को ले लिया फाइ, और यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके हम कंपोनेंट्स को देखते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर फिसलने के लिए, स्लाइडिंग के लिए तैयार खड़ा है. क्लियर? ये इस बॉडी का वेट है mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा. अब यहाँ पर एंगल को आप वॉच करेंगे, ये फाई है तो ये 90-5 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 बनने वाला है. ये 90-5 होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? फाई होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया फाई. अब यहाँ पर इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, एफ एस, इस तरह से. अब आप इसके कंपोनेंट्स को देखिए. एम जी का जो फाई का नियरेस्ट कंपोनेंट होगा, नियरेस्ट कंपोनेंट का होता है कास होता है. मैं उसको टेक्निक से आप लोग को याद करने के लिए बताता हूँ. पास कास, एंगल के पास कास, एंगल के दूर साइन. तो एम जी का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी कास थीटा, और ये दूर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी फाई, ना सॉरी, यहाँ हमने एंगल को थीटा नहीं फाई लिया है, एंगल में कंफ्यूज मत होंगे, साइन फाई. क्लियर? अब आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए, इस पूरे सिचुएशन में आप देखिए, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एम जी से बैलेंस है. देयर फॉर हियर एम जी कास फाई इज बैलेंस विथ रिएक्शन फोर्स, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एम जी साइन फाई से बैलेंस है, तो हो जाएगा एम जी साइन फाई इक्वल टू एफ एस. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. क्लियर? नाउ सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट. अब हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा एम जी साइन फाई अपॉन एम जी कास फाई इक्वल टू एफ एस अपॉन आर. दैट इंप्लाइज, यहाँ पर देखिए, ये दो एम जी ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, इस दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, और मिल जाएगा अपने को साइन फाई अपॉन कास फाई, क्या हो जाएगा, टेन फाई, है ना, ये हो गया टेन फाई. और एफ एस अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू एस, ये हो गया. अब थोड़ी देर पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस डिराइव किया है. इसको सपोज मैं रिलेशन ए नाम देता हूँ, और इसको दे दिया मैं सपोज रिलेशन बी. तो आप यहाँ पर देखिए, रिलेशन ए और रिलेशन बी में देखिए दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन ए एंड बी, टेन थीटा इक्वल टू टेन फाई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू फाई. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को मिलता है. क्या है रिजल्ट? थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फाई इज एंगल ऑफ रिपोज. दैट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप अपने स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आने के हिसाब से बात करिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के. सो न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, मेरे न्यूमेरिकल के सेशन के जो अलग से वीडियो हैं जो IIT जे नेट को फोकस करके बनाया गया है उसमें आपको सब मिलेगा. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज. तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंडेंट हैं, जो जनरली आप जानते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको इस पर थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर दूँ. एक छोटा सा और मैथमेटिकल टॉपिक है एक्सेलरेशन.
देखिए टाइप्स ऑफ, यहाँ पर अपन उस तरह से फ्रिक्शन के टाइप पर बात करेंगे। पहले मैंने टाइप किया उसका, तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है। यहाँ पर एक बार और टाइप्स पर इसके बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ही है ये। तो फ्रिक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन ये क्या होते हैं, देखिए आप नाम से ही समझ गए होंगे। स्लाइड होना मतलब फिसलना किसी के ऊपर, क्लियर। सपोज ये कोई अपने पास एक सरफेस है ये, और इसके ऊपर मैं कोई ब्लॉक रखा हुआ हूँ, और इसको मैं क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर ये स्लाइड होगा, ये स्लाइडिंग है। लेकिन सपोज ये कोई सरफेस है और इस पर मैं कोई स्फेरिकल, सपोज मैं फुटबॉल रखा हुआ हूँ और इस पर मैं फोर्स लगाऊँ, तो क्या होगा, रोल होगा, उसके ऊपर लुढ़केगा। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। जब इसमें आप बेसिक डिफरेंस आप क्या देख रहे होंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी का फ्रिक्शन, बॉडी का सरफेस दोनों का और कांटेक्ट सरफेस वो परमानेंट वही रहता है, क्लियर। जैसे इसको मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये इनके बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है ये वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है कंटिन्यूअस चेंज होते जाएगा, अभी एक सरफेस कांटेक्ट में फिर दूसरा आएगा, फिर इस तरह से चेंज होते जाएगा। तो ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। और इसके लास्ट प्रॉफिट पर अपन बात करें तो ये क्या होता है, इससे नुकसान होता है बहुत, क्यों, क्योंकि इसे पार्ट्स घिस जाता है। कंटिन्यूअस एक ही पार्ट यदि फ्रिक्शन में रहेगा तो घिसेगा, और इसमें पार्ट घिसता नहीं। इसीलिए हम क्या है, कुछ भी जैसे कोई रोलिंग कोई बॉडी बनाते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग बनाते हैं, बेयरिंग मतलब आप समझ गए होंगे, इस तरह से अपन बेयरिंग जो बनाते हैं, बेयरिंग में बीच बीच में क्या होता है, इसे अपन बॉल लगा के रखते हैं, बॉल बेयरिंग। तो ये जब मूव होता है तो बेयरिंग क्या होता है, घूमता है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। मतलब एक तरह से रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने का तरीका है। तो फ्रिक्शन से क्या क्या लॉस होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट हैं, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये कुछ थियोरिटिकल टॉपिक है, उसको मैं एक बार आपको ऐसे डिस्कस कर दूं जनरल। रिड्यूस कैसे करते हैं, इससे लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। आप ऐसा मत समझिए कि फ्रिक्शन से लॉस बस होता होगा, लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट है। और रिड्यूस कैसे करते हैं, लॉस क्या है कि हमारे मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या रोड में फ्रिक्शन होता है तो हमारे गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं, ये सब उसके लॉस हैं। बट प्रॉफिट क्या क्या है, वी कांट इमेजिन एनी वर्क विदाउट फ्रिक्शन। हम इस दुनिया में कोई भी ऐसा वर्क इमेजिन नहीं कर सकते जो बिना फ्रिक्शन के हो जाए। सपोज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर फ्लोर और मेरे पैर के बीच फ्रिक्शन ना होता है, मैं फिसल के गिर जाऊँगा, मैं आपके सामने खड़े नहीं हो पाऊँगा। यदि मेरे बोर्ड और मार्कर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ये मार्कर और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो ये राइटिंग मैं लिख नहीं पाऊँगा। मतलब बिना फ्रिक्शन के हम खाना नहीं खा सकते। यदि हमारे दोनों टीथ के कॉन्टेक्ट के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो हम खाना चबा नहीं। मैं सिंगल वर्ड में बोल दिया, वी कांट इमेजिन एनी वर्क विदाउट फ्रिक्शन। हम बिना फ्रिक्शन के कोई भी वर्क इमेजिन नहीं कर सकते, सीधा से इतना बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन क्या होता है, इससे लॉस होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, ये जो मैंने बताया, बॉल बेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। हम मशीन में क्या करते हैं, जनरली बेयरिंग यूज़ करते हैं, फैन में बेयरिंग यूज़ करते हैं, कोई भी मशीन जो रोटेट होता है, मूव होता है, उसमें बेयरिंग यूज़ करते हैं। तो बेयरिंग यूज़ करने से क्या होता है, फ्रिक्शन के कॉन्टेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। या अपन क्या कर सकते हैं, आयलिंग, ग्रीसिंग, आयलिंग करके। आप देखे होंगे कि हमारे कोई भी पार्ट्स यदि अच्छे से काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, आयल डालते हैं या ग्रीस लगाते हैं, ये सब उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका है, क्लियर। नाउ लास्ट, आवर लास्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन इन रोलिंग फ्रिक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग या स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, या फिर समझ लो इंक्लाइन प्लेन में, मैं बता दूं सीधा, इन इंक्लाइन प्लेन। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों के लिए मैं आपको डाउनवर्ड बता दूं, अपवर्ड आपके और प्लस को माइनस करके ही समझ सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है।
वैसे इसको मैं एंगल ऑफ रिपोज में लगभग बता चुका, थोड़ा सा उसी को आप देख लीजिए। सपोज ये थीटा एंगल है और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, और सेम कंडीशन है इसका जैसा भी बताया था, ये एम जी है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये थीटा है। तो यहाँ पर मैं इसके सब एंगल को आपको बता दूँ, ये भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एग्जैक्ट वही जो मैं बताया भी आपको। और इधर जो इसका फ्रिक्शन का इधर, अब यहाँ पर देखिए ये एफ के है, एफ के क्यों है, क्योंकि अब इंक्लाइन प्लेन में क्या हो रहा है, वो रोलिंग हो रहा है या स्लाइडिंग हो रहा है। सपोज बॉडी कहाँ स्लाइड हो रहा है, मतलब मोशन कंडीशन में है, ये अब रेस्ट कंडीशन में नहीं है। एंगल ऑफ रिपोज मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी वहाँ पर रेस्ट कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पर बॉडी क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के हो गया और ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी का, क्या एम जी साइन थीटा हो जाएगा इस तरह से। नाउ यहाँ पर देखिए आर बैलेंस हो जाएगा किससे, एम जी कॉस थीटा से। मैंने आपको पहले बता दिया कि आर जो है एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज सपोज एफ, रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एफ इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये डाउनवर्ड है एम जी साइन थीटा और एफ के क्या है अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। दैट इम्प्लाइज इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से, ये हो गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ के को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू के इंटू आर। दैट इम्प्लाइज एम ए इक्वल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू आर। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ आर, देखो ये आर का वैल्यू अपने पास है एम जी कॉस थीटा, तो वहाँ पर हम आर के वैल्यू को वहाँ से पुट अप कर देते हैं, तो है म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों साइड से क्या है, एम कॉमन है, एम कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से एम, ये एम कॉमन है, एम कॉमन है, ये एम कॉमन है, तो एम को दोनों साइड से हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट इम्प्लाइज ए इक्वल जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा, म्यू के इंटू जी कॉस थीटा, म्यू के इंटू जी कॉस थीटा। दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू, दोनों में से जी को कॉमन कर लें तो जी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इन इंक्लाइन प्लेन, क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं और ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है, फ्रिक्शन एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करते रहिए। बाकी इसके कॉम्पिटिटिव वाले मटेरियल मेरे और उसमें मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे इम्पॉर्टेंट वीडियोस कंटिन्यूअस प्रोवाइड होते रहे। ओके, थैंक यू।